ये इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है कि वाई लावनी इन कंट्रोवर्सी इन महाराष्ट्र। मैं आपको बता दूं कि लावनी एक महाराष्ट्र का नृत्य है, महाराष्ट्र की संस्कृति का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। जैसे हर स्टेट का एक अपना अपना नृत्य होता है, वैसे ही लावनी महाराष्ट्र की संस्कृति का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, वहाँ का एक महत्वपूर्ण कल्चर का हिस्सा है, वहाँ का डांस है। तो ये क्यों कंट्रोवर्सी में आ गया था मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक यंगर जनरेशन की एक वुमेन डांसर है जिसका नाम है गौतमी पाटिल, वो लावनी नृत्य को बहुत बात कर चुकी है, तो उसको लेकर ये कंट्रोवर्सी में आ गया था क्योंकि गौतमी पाटिल ने कुछ गलत तरीके से इसको पेश किया था। क्योंकि किसी भी डांस को करने के कोई रूल्स होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक कल्चरल डांस है तो इसको करने का एक तरीका होता है, लेकिन उसने कुछ कामुक तरीके से इसको जनता के सामने पेश किया जिसको लेकर ये कॉन्ट्रोवर्सी में आ गया। जैसा कि इस आर्टिकल में बताया गया है इस डांस के बारे में, तो मैं आपको थोड़ा सा पढ़कर बता देता हूँ। द वर्ड लावनी कम्स फ्रॉम लावण्य और ब्यूटी, ये एक सौंदर्य से इसका नाम उत्पन्न हुआ है, तो लावनी का मतलब यही होता है सुंदरता। लावनी इज अ ट्रेडिशनल फोक आर्ट फॉर्म इन विच वुमेन डांसेस वियरिंग 9 यार्ड लॉन्ग साड़ीज इन ब्राइट कलर्स। इसमें क्या होता है कि 9 यार्ड लंबी साड़ी पहनी जाती है जब इसको पेश किया जाता है, लेकिन गौतमी पाटिल ने शायद ऐसा नहीं किया होगा, कुछ गलत तरीके से कपड़ों को पहन कर या फिर कुछ इस तरीके से पेश किया होगा ताकि जिससे ये कॉन्ट्रोवर्सी में आ गया। और इसमें मेकअप भी काफी गहरे रंग का किया जाता है, इसमें गहरे रंग की साड़ियां पहनी जाती है 9 यार्ड लंबी, और इसमें और भी काफी कुछ है, एंड घुंघरूस पहने जाते हैं, परफॉर्म ऑन ढोलक बीट्स ऑन स्टेज बिफोर ए लाइव ऑडियंस, ठीक है, इसको लाइव ऑडियंस के सामने किया जाता है, ठीक है। आजकल तो इसको डीजे सॉन्ग पर भी किया जाता है, उसी को लेकर ये शायद कॉन्ट्रोवर्सी में है, ठीक है। एक एनसीपी के लीडर है, एनसीपी बहुत बड़ी पार्टी है महाराष्ट्र में, जैसे कांग्रेस है, शिवसेना है, वैसे ही एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है महाराष्ट्र में, उनके लीडर है अजीत शरद पवार, ठीक है। एनसीपी लीडर अजीत पवार, सॉरी अजीत पवार हैज डायरेक्टेड मेंबर्स ऑफ हिज पार्टी टू नॉट ऑर्गेनाइज रॉन्ची पब्लिक शोज इन द नेम ऑफ लावनी। तो उन्होंने क्या किया, उनको एक शिकायत मिली, शिकायत किसे मिली, एक इसी को डांस को करने वाले एक और आर्टिस्ट है, उसका नाम भी है मेगा गडके, ठीक है। उन्होंने शिकायत की कि हमारी जो संस्कृति है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है इस तरह के नृत्य को पेश करके, क्योंकि लावणी नृत्य है महाराष्ट्र की संस्कृति का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, अगर हम उसको गलत तरीके से पेश करेंगे तो धीरे धीरे हमारी जो संस्कृति है वो डिग्रेड हो जाएगी। तो एनसीपी लीडर अजीत पवार ने यही कहा कि हमारी पार्टी का कोई भी आगे से कोई कार्यक्रम होगा तो उसमें इस तरह का नृत्य पेश नहीं किया जाएगा, तो उसी को लेकर ये नृत्य काफी दिनों तक सुर्खियों में बना रहा। वैसे आपकी स्टेट का कौन सा नृत्य है जो कि एक कल्चरल डांस माना जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपकी स्टेट का, तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, और इस तरह की और पोस्ट के लिए बने रहे मेरे साथ। धन्यवाद।